हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज है ट्यूसडे और आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही हैं। तो मॉर्निंग में मैं काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि इस समय जो आप मेरे घर की हालत देख रहे हो बहुत ही अस्त व्यस्त है। पूरा मेरा घर फैला हुआ है क्योंकि घर में ना अभी थोड़ा सा काम छिड़वा दिया है। घर में खिड़कियां वगैरह बन रही हैं और पेंट वगैरह भी होना बाकी है। तो खिड़कियां तो बनी हुई थी, लगी हुई थी, लेकिन खिड़की होते हुए भी वो खिड़की नहीं थी क्योंकि ऐसा मतलब खाली इसी तरह से एक एक बोल्ट कस दिया था, खिड़कियों में ऐसी ही लगा दी गई थी, लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ था खिड़कियों का। तो मिट्टी, धूल मिट्टी तो हमेशा मेरे घर में बनी रहती थी क्योंकि कोई भी ऐसी खिड़की नहीं बनी हुई थी। और आप देख सकते हैं हमेशा ना धूल मिट्टी बनी रहती है। तो मॉर्निंग में मैं ना जल्दी उठ गई थी, तो अभी मॉर्निंग का ही जो मैं पहले झाड़ू से स्टार्ट कर रही थी, तो अभी सॉरी बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर हो रहा है। बच्चे ना अभी दोनों सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं। मैं उठ गई थी और सारा काम कर रही थी। धीरे धीरे दिन निकल आया था क्योंकि बर्तन पड़े थे रात के, वो भी फटाफट से मैंने साफ किए थे क्योंकि रात देर रात तक काम चल रहा था, जिसकी वजह से ना हम लोग खाना खाकर ऐसे ही सो गए थे, बर्तन साफ़ नहीं किए थे क्योंकि काम हो रहा था। रात को करीबन 10:30 तक ये लोग बाहर गए हैं घर से निकल कर, तब तक काम चल रहा था, यानी कि रात के 10:30 बजे तक काम चल रहा था। तो इस वजह से मैं बर्तन साफ़ नहीं किए, तो बर्तन साफ़ करते करते ना दिन निकल आया था और फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। बच्चों को नहीं उठाया था क्योंकि वो लोग दोनों सो रहे हैं और हस्बैंड भी सो रहे हैं। और मेरे घर में ना आपको ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा क्योंकि इतना सामान हमने अभी तक यहाँ पर नहीं लिया है, क्योंकि मैं अपने पुराने घर पर रहती थी, वहाँ पर मतलब हर चीज़ थी, लेकिन यहाँ पर अभी हमने ज़्यादा सामान नहीं लिया है। जितनी ज़रूरत है बस उतना ही लिया है। और अभी मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही थी क्योंकि ये भी है ना कि जल्दी काम करूँगी, फिर आज नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, नहा धो के फिर माता रानी की चौकी भी बिठानी है और मैं हमेशा बिठाती हूँ चौकी। तो बस आप लोग वीडियो देखिएगा। वैसे आज मैंने अभी मैं पता है झाड़ू लगा दूँगी, थोड़ी देर के बाद ना फिर से इतनी सारी मिट्टी आ जाती है, बहुत ज़्यादा, यानी कि दिन भर मिट्टी घर में लगी ही रहती है। तो पूरा घर मेरा इसी तरह से रहता है। अभी खिड़कियाँ वगैरह बन रही हैं और इसमें ग्रिल वगैरह लग रही है खिड़कियों में, तो वो सब काम चल रहा है ना अभी। और इस वजह से मुझे काम की ना और भी ज़्यादा जल्दी हो रही है क्योंकि जो भी काम करने वाले भैया लोग हैं वो कम 8:30 के लगभग आ जाते हैं सारे लोग। तो इस बीच क्या है, मुझे काम करके अपना सारा फिनिश करके नहाना भी है, पूजा पाठ भी करना है, जितना काम है सारा का सारा निपटाना है, तो इस वजह से और जल्दी हो रही है। और आप लोग गौर कर रहे होंगे मेरे पैरों में पायल नहीं है। हाँ, मैंने पायल अभी निकाल दी है, कुछ देर के लिए निकाली थी, लेकिन मैं अभी पायल पहन लूँगी क्योंकि अभी नहा धो के ना मैं पूजा भी करनी है, तो उस समय पूरा श्रृंगार करके ही पूजा करते हैं, माता रानी की चौकी बैठानी है और सब काम करना है। तो इसी वजह से और अभी हर जगह से झाड़ू, कितना भी झाड़ लो यार मट्टी आती रहती है, क्या करना है। अभी ये दरवाज़ा दिख रहा है ना जाली वाला, इसे भी निकाल देना है, इसे भी निकाल कर अभी ये लोग मतलब सही से इस पर पेंट हो क्या क्या होता है मुझे नहीं पता, वो सब करना है लोगों को। तो ये दरवाजे भी निकल जाएंगे सारे के सारे अभी, और घर खाली खाली हो जाएगा।
सारी खिड़कियों को निकाल दिया है और इन पे अभी काम हो रहा है। तो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ, पता है मुझे थोड़ी थोड़ी सुस्ती भी आ रही है क्योंकि रात को लेट सोए थे बहुत और उसके बाद नींद सी आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरे को क्या है उन सब चीज़ को छोड़ के अपना काम करना ही है आखिर। तो मैं अभी पोछा लगा रही थी और सच बताऊँ पोछा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे ही पोछा लगाया ना फिर से लट्टी आई ना है, इतना होता है, लेकिन क्या करना है, पोछा तो लगाना है, कितना क्या करें। तो और जो आप मंदिर देख रहे हो मेरा, इस मंदिर को ना मैंने कल साफ़ कर लिया था अच्छे से, सारी मूर्तियों वगैरह तस्वीरें वगैरह सब मैंने अच्छे से धो और पोछ ली थी। उसके बाद ये चुनरियाँ वगैरह माता रानी की सारी मैंने कल धो के अच्छे से इनका मतलब अच्छे से फिर लगा दिया था। और इसके बाद मैं नहा धो के ना माता रानी की चौकी बिठाऊंगी, कलश स्थापना करूंगी, फिर से शोर स्टार्ट हो गया। और आज फिर व्रत भी स्टार्ट हो जाएंगे और कल मंडे था, तो कल ना मंडे को भी मेरा फास्ट था, तो पूरा दिन फास्ट हम ऐसे ही रखते, कुछ नहीं खाते। हाँ मैं चाय ज़रूर लेती हूँ फास्ट में, और कुछ नहीं खाती हूँ फास्ट में। फल फ्रूट खा सकते हैं लेकिन मेरी अंदर से खुद ही इच्छा नहीं करती है, मेरा जी मचलाता है फ्रूट्स खाने से, तो इसी वजह से व्रत में खाने से जी मचलाता है वैसे नहीं। और चाय हाँ मैं ले लेती हूँ, चाय दो टाइम, जैसे नहाने के बाद पूजा करने के बाद में मॉर्निंग में चाय ले ली, शाम को चाय ले ली, और फिर उसके बाद शाम को चाय लेने के बाद में क्या है रात को फिर जो खाना बनता है ना, तो बिना लहसुन प्याज के बनता है, तो मैं खाने में अपने लिए जो आलू होते हैं उन्हें बॉयल करके हरी मिर्च का तड़का लगाती हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं। या फिर कद्दू की सब्ज़ी बना ली, यानी कि कोई भी सब्ज़ी ऐसी बनाओ जिसमें लहसुन प्याज ना पड़े, उसके साथ पराठे या रोटी। इसमें मैं पहले ना पूड़ियाँ बनाया करती थी, जैसे आलू की सब्ज़ी बनाना, कद्दू की सब्ज़ी और साथ में पूड़ियाँ, लेकिन ना अभी मैंने पूड़ियाँ बनाना बंद कर दी है। अब मंडे को मैं सिर्फ रोटी बनाती हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी हो रही हूँ, तो ना मैं खाऊंगी ना किसी घर वालों को दूंगी, क्योंकि घर वाले भी बस बेटा है वो मांगता है, तो उसको बोल रखा है बेटा कभी कभी हम बना दिया करेंगे, लेकिन अब डेली ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि ज़्यादा ऑयली सही नहीं रहता। नहीं तो पहले तो हर मंडे को बस पूड़ियाँ बननी थी, यानी कि हफ्ते में एक बार पूड़ियाँ बननी थी, और सच बताएं हमारे घर में ना ऑयली चीज़ ज़्यादा बनती है, कभी कचौड़ियाँ कभी परांठे आलू के, मतलब परांठे तो डेली, अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई ना तो डेली परांठे मॉर्निंग में बनते थे, क्योंकि इस समय ना आम आ जाता है और पुदीना, तो इसकी चटनी बना के परांठे से खाना बहुत टेस्टी लगती थी, लेकिन अभी तक ना मैंने कच्चे आम मंगाए हैं ना पुदीना, क्योंकि फिर सब परांठे के लिए कहेंगे। और अब तो नवरात्रे भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन नवरात्रे में क्या है ना जो मेरा व्रत होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है, मेरे हिसाब से तो हार्ड होता है, क्योंकि मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही रहना होता है। हाँ चाय मैं पीऊँगी, चाय मैंने मॉर्निंग में पी ली है, और अब मैं शाम को चाय पीऊँगी 4 बजे, उसके बाद